तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं। ये किचन का एग्जॉस्ट फैन है, ये बिल्कुल जाम है, बिल्कुल जाम है दोस्तों। दोस्तों किचन में अक्सर शिकायत होती है एग्जॉस्ट फैन जाम होने की, और ये बुश वाला है, इसलिए बुश वाले में भी शिकायत होती है जाम हो गई। बैरिंग वाले में कम थोड़ा होती है, मगर बुश वाले में ज़्यादा शिकायत होती है। तो चलिए इसको फ्री करते हैं और ये और इसको ठीक करते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम ब्लेड निकालेंगे, यहाँ से इसको खोल लेंगे तो ये ब्लेड निकल जाएगा। काफ़ी डस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये चारों स्क्रू खोलेंगे बारी बारी। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा हल्का हल्का मारिएगा, ये ढक्कन निकल जाएगा। ये चार स्क्रू निकाल लेंगे, देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी इसमें कचड़ जमा है, काफ़ी इसमें इसी वजह से जाम हो जाता है। ऐसे निकाल लीजिए। देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी डस्ट की वजह से जाम हो जाता है बिल्कुल। ये जो राड है दोस्तों इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। ये काफ़ी कचड़ा जम जम जाता है। इसको भी दोस्तों अच्छी तरह, ये बुश है इसको भी साफ करना है। इसको भी साफ कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो सिलाई मशीन वाला तेल आता है उसमें वही डालते हैं दोस्तों, उसको फ्री करते हैं। ये इसमें डाल देंगे, इसमें ये रबड़ की गद्दी लगी रहती है, ये सोख लेगा। राड पर भी दोस्तों अच्छी तरह इसमें आयल लगा देंगे। इसको डाल के दोस्तों ऐसे से घुमाइएगा तो ये फ्री हो जाएगा। ये पीछे वाला ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। अब आगे से इसको इसको लगा के बैठा देंगे। अब इस होल के सामने इस होल लगा है वो स्क्रू को इसे लगा देंगे दोस्तों। इधर से ये निकल जाएगा, उसके बाद ये बोल्ट लगा दीजिएगा। चारों स्क्रू लगा देंगे। इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, नहीं फ्री होगा तो ये थोड़ा थोड़ा इसको इसको घुमा के इसको अपसेट करेंगे ये बोल्ट, तो ये फ्री हो जाएगा। देख रहे दोस्तों ये हो गया दोस्तों। अब इसका हम ब्लेड लगाएंगे। दोस्तों ये कटिंग होती है, इसी के सामने वाला स्क्रू वाला इसको लगा के ब्लेड को इसको टाइट कर लेंगे, बैठा के। देख रहे हैं दोस्तों ये फ्री हो गया। दोस्तों ये ओके हो गया। अब इसको हम सप्लाई देके इसको टेस्ट करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल ओके हो गया। बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो ये आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बस बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और शेयर कर दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।